नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल, स्वागत है आप सभी का। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी मंदिरों और मठों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। गोरखपुर कांड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2 प्लाटून के 72 महिला और पुरुष जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी है, जिसमें महिला जवान होती है। दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लग रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए फरियादी अपनी फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं। जनता दरबार के दौरान कोई संदिग्ध न घुसे और लोगों को जांच हो, इसके लिए लखनऊ पुलिस को दी गई सीआरपीएफ यूनिट को एहतियात लगाया गया है। गोरखनाथ मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। मंदिर के पहले गेट पर ही हथियारबंद पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले की जामा तलाशी की जा रही है। महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट तक किसी भी गाड़ी के जाने पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। गाड़ियों की भी चेकिंग करवाई जा रही है। संदिग्ध नजर आ रहे हर व्यक्ति से उसका पहचान पत्र भी मांगा जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर ही बुलेट प्रूफ पोस्ट लगाई गई है। पुलिस का मानना है कि इस घटना से हमने बहुत कुछ सीखा है, हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। इसी खबर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दिलीप शुक्ला इस वक्त जुड़े हैं और बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में जो है इस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं मुर्तजा की अगर बात की जाए, तमाम कई चीज़ें संदिग्ध कई चीज़ें मिली हैं, चाहे वो वीडियो की बात की जाए, तमाम तरीके की चीज़ें मिली हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री आवास की बात की जाए, वहाँ पर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर बात करें, एक तरफ तो बाबा के बुलडोजर से पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं थर्रा रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ। माइक म्यूट है, अनम्यूट करें सर विवेक जी। नहीं, ठीक है, रखें अपनी बात। रखिए अपनी बात को। देखिए, इसका आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से अपराधियों की तोड़ी और जिस तरह से सिंडिकेट क्रिमिनल्स में भय व्याप्त है, और आज भी इस सरकार ने भी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर अपराधियों के और संगठित अपराधियों के सिंडिकेट पे चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं वो अपराधी घरानों के निशाने पर सबको मालूम है। वही बात गोरखनाथ मंदिर की, तो गोरखनाथ मंदिर पूर्वांचल की आस्था का वो केंद्र है जहाँ ये सब लोग माथा नवाने लगे, और वहां पे इस तरह की जो घटना घटी ये सबके लिए अप्रत्याशित थी। इस घटना के लिए किसी को कोई ऐसा नहीं था कि ऐसी कोई घटना यहाँ पे कोई अंजाम दे देगा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की जो ये पीठ है बहुत प्राचीन पीठ है, बड़ा उस इलाके में उस क्षेत्र में पूर्वांचल के अकेले भारतवर्ष में उस पीठ का बड़ा सम्मान है। भगवान के रूप में लोग उस पीठ की उपासना करते हैं, और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आज उस गज पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप समझ लीजिए कि उनके प्रति समाज में लोगों के हृदय में क्या स्थान होगा, इसका आप स्वयं इसी से अंदाजा लगा दीजिए। लोग उन्हें भगवान की तरह उस पीठ पे स्थापित होने के कारण पूछते हैं, और उस पीठ पे हमला हो या उस पीठ से पीठाधीश्वर पे हमला हो, ये पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति जो भी उस पीठ के बारे में जानता है, जिसकी उस पीठ में आता है, ये बर्दाश्त नहीं करता।
इसलिए जो पुलिस ने उस पर सीट लेते ठीक हुए है ठीक कार्रवाई है, की मैं है, फौरन क्योंकि लौट रही हूँ वहां से विवेक जी लगता आपके है। पास। एक बार दिलीप शुक्ला जी की तरफ भी रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से दिलीप शुक्ला जी। आवाज पहुंच पा रही है किस तरीके से जो है देख रहे हाँ, हैं, आप भी क्योंकि आवाज आ रही है। सवाल वही है कि एक तरफ जो है यूपी में जो बाबा का बुलडोजर है उससे जो है लोग कहीं ना कहीं थर्रा रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, लगातार बुलडोजर चल रहा कहाँ है, वहीं दूसरी थर्रा तरफ मुख्यमंत्री की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं? रहा? मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपको नमस्कार करता हूँ, मैडम आपको भी नमस्कार करता हूँ। जी जैसा कि आपने भी कहा है कि योगी जी के बुलडोजर से अपराधी थर्रा गए, योगी योगी जी के बुलडोजर से अपराधी नहीं थर्रा गए, वो जो गरीब गुरबा लोग थर्रा गए हैं। अगर अपराधी भी सही में थर्रा गए होते तो आज अजय मिश्रा और टेनी इन लोगों के घर के सामने भी बुलडोजर चल चुका होता। क्या ये माफिया नहीं है? क्या ये अपराधी नहीं है? सात सात छह छह किसानों को जो गाड़ियों से रौंद देता है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? इनके घर को कब गिराएंगे? इनके घर के सामने आपका बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर कब जाएगा? अगर सही में आप अपराधियों के खिलाफ अपने बुलडोजर को तैनात किए हुए हैं और आप अपराध से नफरत करते हैं, तो सबसे पहले आप लखीमपुर खीरी जाइए और अजय मिश्रा और तेली जी के घर को नेस्तानाबूत करके आप उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाने का काम करिएगा। आपके कटनी और आपके करनी में फर्क है। दूसरी बात, दूसरी बात, जहां पर बाबा का दूसरे बुलडोजर चल रहा है वो सही जगह नहीं चल रहा किसके है क्या ऊपर दिलीप चला? जी? मैडम, मैडम कल आपके ऊपर ही बुलडोजर चल जाएगा अगर आप हुकूमत के खिलाफ कुछ बात करेंगी। मैं भी मेरे भी नहीं, आप घर के मेरी ऊपर जो चिंता मत बुलडोजर चल करिए, जाएगा, मैं हुकूमत मैं बता रहा हूं नहीं, आप एग्जाम्पल दे मेरी रहा हूं, मेरी मेरे बात भी घर के मेरी कितने। चिंता मत करिए दिलीप जी, आप मेरी चिंता मत मैडम, करिए, आप अपनी बात जल्दी मेरे कीजिए। मैडम चिंता की बात नहीं है, मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा क्योंकि मैं हुकूमत के खिलाफ बात करता हूं। अभी आप देखिएगा राजस्थान में जो भी जिस तरीके से आप मीडिया को डील करती हैं, उसी तरीके से राजस्थान में कम से कम 15 मीडिया वालों को नंगा करके लोग रास्ते पर खड़ा कर दिए हैं। सच्चाई बोलना जरा जहां गुनाह है वहां आतंकवाद, वहां वहां जो अपराधी पनपेंगे और अपराधी और माफियाओं को शरण कौन देता है? अजय मिश्रा कौन है? अगर अजय मिश्रा आपके लिए मंत्री हो सकते हैं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता अभी के दिलीप जी लिए की जो आवाज नहीं आ अपराधी रही, मतलब है कहीं ना वो कहीं किलर समाजवादी पार्टी जो है बाबा के बुलडोजर से डर रही है। नहीं कौन डर रहा है? मैडम मेरा तो घर आप आप क्या जानती कर है रहे हैं कि कहाँ आप है? पर भी चल मैं जाएगा? मैं तो कहा बीजेपी से भी सवाल पूछ रही बेगुनाहों हूँ पर इससे, चलेगा, लेकिन नहीं, मैं मुझे तो नहीं, मेरे घर पे बीजेपी से भी चलेगा? सवाल सुनिए, पूछ रही चलेगा, हूँ। बट लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। जिसके जुबान पे सच्चाई ना हो, किस प्रकार का जनप्रतिनिधि हो सकता है, किस प्रकार का समाज का नेता हो सकता है, किस प्रकार का समाज सेवी हो सकता है? विवेक आप विवेक बुलडोजर के जी दम से बीजेपी किसी की की तरफ जुबान रुख नहीं करेंगे, बच मैं आऊंगी जाएगी। आपके पास दिलीप कुमार जी। विवेक जी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, किस क्या क्या कुछ कहेंगे विवेक जी? रिक्का जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपसे ठीक चिंता है हो रखिए गया। अपनी बात को। रिक्का जी, रखिए रखिए विवेक जी रखिए अपनी बात को। उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही थी, दिलीप जी आप उनकी बात को दोहरा दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास में, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में दिलीप कुमार शुक्ला जी जुड़े, रखिए सर अपनी बात को पूरी करिए, फिर मैं आ रही हूँ बीजेपी के। जी मैं दिलीप जी, आपसे एक बात बोलता हूं कि एक जगह कहीं खबर उड़ करके आई कि नहीं, 10 दिन पहले आईबी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था ये मुर्तजा मुर्तजा संदिग्ध व्यक्ति है, इसके आईएसआईएस से कनेक्ट कनेक्शन है, ये इनलीगल जो है ट्रांजेक्शन कर रहा है उनसे। तो क्या आप गुनाह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब गुनाह हो जाए उसके बाद हम जो है सक्रिय होंगे? किस प्रकार का खेल खेलते हैं बाबा? आपको अगर आईबी ने आपने आपको आईबी ने रिपोर्ट कर दिया है, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया और घटना हो जाने के बाद आप जो है जो कहना कह रहे हैं, जो हल्ला मचा रहे हैं, आपकी नीयत पे जो है लेकिन शंका जिस है, आपके नीयत तरीके में से खोट है। मंदिर नहीं में जिस तरीके की जो घटना हुई है उसकी उसको लेकर नहीं के क्या जो कहेंगे? घटना हुई है उसकी नहीं, जो घटना हुई है वो दुर्दांत घटना है, उसका विरोधी मैं भी उसका विरोध करता हूं, लेकिन तरीका देखिएगा, जब आईबी आपको इन्फॉर्म कर देती है 10 दिन पहले, तो 10 दिन तक आप क्या कर रहे थे? 10 दिन के पहले उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? घटना होने का इंतजार क्यों कर रहे थे आप?
आप मुझे जवाब दीजिए विवेक जी, ठीक है विवेक, विवेक जी आपको रास्ता जब भी देखिए आपके इंफॉर्मेशन मिल पास। जाती है, आपको तुरंत एक्शन लेकर के उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। आप चुनाव है, आप हिंदू विवेक हिंदू मुसलमान मुसलमान खेलते हैं। विवेक जी रखिए अपनी बात को, बीजेपी से हमारे साथ में। उनका क्या प्रश्न है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है रितिका जी, आवाज नहीं आ रही दिल्ली जी। रख रहे हैं अपनी बात को, विवेक जी रखिए अपनी बात। रितिका जी, जी रितिका जी क्या जी जी सर रखिए अपनी बात को। जी रखे उनका प्रश्न मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। संपर्क कहीं ना कहीं आपका टूट रहा है विवेक जी। विवेक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? इन दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लग रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए फरियादी अपनी फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं। जनता दरबार के दौरान कोई संदिग्ध ना घुसे और लोगों की प्रॉपर जांच हो, इसके लिए लखनऊ पुलिस को भी सीआरपीएफ यूनिट को एहतियातन लगाया गया है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पर जिस तरह की घटना अभी पिछले कुछ दिनों में घटी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कर्मियों को बढ़ा दिया गया है। योगी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मंदिर पर कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, मंदिर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक लगातार, अगर बाबा के बुलडोजर की बात करें, सवाल लगातार वही है जिस तरीके से इस तरह की घटना सामने आ रही है, मुर्चा वाली जो घटना सामने आई, आगे आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर के लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।